नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रैंक टू MS में। और आज राखी के इस पावन अवसर पर मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ बहुत ही बड़ी खुशखबरी, यानी कि बम्पर खुशखबरी सभी BSNL और MTNL के एम्प्लॉयज़ के लिए। तो क्या है ये बम्पर खुशखबरी? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे सभी के बारे में, रेगुलर एम्प्लॉयज़, कस्टमर्स, BSNL के, BRS ऑप्टिक। तो सबसे पहले शुरुआत में सबसे बड़ी खुशखबरी है वो मैं बता दूं कि जल्दी ही BSNL प्लान कर रहा है फाइबर यानी FTTH में अनलिमिटेड प्लान्स की। ऐसा सुनने में आ रहा है, ये गुप्त सूत्रों से मतलब कि जानकारी प्राप्त हुई है, अभी इसका ऑफिशियल लेटर नहीं आया है, लेकिन जल्दी ही BSNL आपके लिए लेकर के आने वाला है अनलिमिटेड प्लान्स। हालांकि BSNL ने अभी जो शुरू किया है वो 200 Mbps की स्पीड से और लगभग 1500 GB डाटा तक का प्लान लॉन्च किया है पर मंथ के लिए, लेकिन अब BSNL जल्द ही FTTH में अनलिमिटेड डाटा का प्लान लेकर के आने वाला है, जिससे कि आप यूज कर सकेंगे बेहिचक बगैर सोचे विचारे अनलिमिटेड डाटा। अब देखते हैं कि कब तक ये प्लान आ पाता है मार्केट में। तो फर्स्ट खुशखबरी तो ये थी। दूसरी सबसे बड़ी खुशखबरी कि BRS ऑप्टिक का पैसा जो फोर्थ इंस्टॉलमेंट का है वो जल्द ही आने वाला है और इस वीक उस वो क्रेडिट हो जाएगा सर्किल ऑफिस में, और आपको इस महीने के एंड तक मतलब कि आपका जितना भी भुगतान है वो सारा का सारा भुगतान हो जाएगा। तो राखी की एक तो सभी को शुभकामनाएँ, जितने भी BSNL MTNL के कस्टमर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं अपने रैंक टू MS चैनल के, साथ ही BSNL और MTNL के एम्प्लॉई हैं, सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। और बाकी हम आपको बता दें कि BSNL आपके लिए बहुत सारे सस्ते रिचार्ज प्लान भी रक्षाबंधन पर चालू करने वाला है, तो आप एक बार विजिट ज़रूर करें bsnl.co.in को, जहां पर आप प्रीपेड प्लान्स के बारे में जानकारी ले सकते हो कि कौन सा प्लान है सबसे सस्ता और क्या है इसके फ़ायदे, अगर आप रिचार्ज कराने की सोच रहे हैं BSNL में। तो अब हम बात करते हैं न्यूज़ की। तो BSNL और MTNL की लेटेस्ट अपडेट में सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि BSNL की कुछ जो खुशखबरी का नाम सुनते ही दो चीज़ें दिमाग में आती है, एक तो फोर्थ इंस्टॉलमेंट और एक BSNL की सैलरी। हालांकि BSNL की सैलरी की अभी कोई भी लेटेस्ट अपडेट नहीं है कि दो चार दिन में आ जाएगी या छः दिन में आ जाएगी, लेकिन इतना है कि BSNL की सैलरी अब की बार फिर से डिले हो चुकी है, जो कि सभी को पहले से ही पता है। इसकी जैसी कोई ऑफिशियल अपडेट आएगी हम आपको ज़रूर इसकी जानकारी दे देंगे। अब हम चलते हैं न्यूज़पेपर्स की न्यूज़ पर और यूनियंस की वेबसाइट पर। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा और दोस्तों के साथ लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। तो BSNL ने जारी किया है भारत एयर फाइबर सर्विसेज। इसके अलावा BSNL के द्वारा जल्द ही जो अभी हाल फिलहाल में शुरू किया गया लेटेस्ट ऑफर है, ज़बरदस्त ऑफर है, वो है BSNL लॉन्च्ड ₹147 प्रीपेड प्लान विद 10 GB डाटा, यानी BSNL का ₹147 वाला नया प्लान है जिसमें 10 GB डेटा समेत मिलेंगे आपको ये सभी बेनिफिट्स। तो ये स्वतंत्रता दिवस के मौके पर भी ये जारी रहेगा। तो अगर आप ये प्लान अभी इस महीने लेने वाले हैं तो ये आपको काफ़ी बेनिफिशियल हो सकता है सस्ते प्लान्स में। इसके अलावा अगर BSNL ने जो कुछ प्लान है वो महंगे भी किए हैं तो आप रिचार्ज कराने से पहले एक बार उनके बारे में डिटेल जानकारी ज़रूर ले लें। श्री पी के परवार जी को जो लेटर लिखा गया है उससे रिलेटेड हम आज जानकारी देख लेते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है और सबसे इम्पोर्टेंट जानकारी है BSNL के एम्प्लॉयज़ के लिए कि फास्टर रोल आउट ऑफ 4G और LTE सर्विसेज इन ऑल सर्किल्स एंड फॉर्मुलेटिंग रोड मैप फॉर 5G इकोसिस्टम आवर सजेशंस। तो लेटर में लिखा गया है कि एक तो 5G के लिए तो रोड मैप तैयार किया जाए, यानी कि किस तरह से भविष्य में 5G लागू करना है उसका रोड मैप तैयार करके बताया जाए, और साथ ही 4G सर्विसेज ऑल इंडिया बेसिस पर चालू की जाए। वहीं आपको बता दें कि 100% एड ऑन परचेज ऑर्डर टू द फेज 8 नॉन चाइनीज वेंडर। तो इसमें आपको बता दें 8.4 के तहत बताया गया है कि जो भी एड ऑन परचेज ऑर्डर है वो नॉन चाइनीज वेंडर से का नॉन चाइनीज मतलब कि प्रोडक्ट के साथ में वेंडर के द्वारा ख़रीदारी की जाए जिसमें कोई भी चाइनीज़ प्रोडक्ट ना हो। साथ ही BTS का अपग्रेडेशन है उसकी भी इन्होंने बात की कि इन द परचेज ऑर्डर ऑफ टू द फेज 8.4 नॉन चाइनीज वेंडर। तो इसमें BTS का अपग्रेडेशन की भी यहाँ पर बात की गई है कि जो नॉन चाइनीज़
प्रोडक्ट हैं उसके थ्रू ही इनका जो वेंडर है वो इनको अपग्रेड करे BTS को। इसके अलावा इन अदर सर्किल्स स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप विथ प्रोटेक्ट स्पेक्टिव TSP टू एक्सप्लोर इंट्रा सर्किल रोमिंग ऑफ BSNL कस्टमर्स ऑन देयर 4G नेटवर्क। इसके अलावा स्पेक्ट्रम ट्रेडिंग पॉलिसी फॉर जुडिशियस यूटिलाइजेशन ऑफ द स्पेक्ट्रम अवेलेबल विथ BSNL इन 2100 MHz एंड 2600 MHz फॉर प्रोवाइडिंग इमीडिएट 4G सर्विस एज BNO वर्चुअल नेटवर्क ऑपरेटर टू द BSNL कस्टमर्स यूजिंग इंट्रा सर्किल रोमिंग पैक्स। तो यहाँ पर बात की गई है 4G सर्विसेज के लिए, तो इन्होंने 4G जो नेटवर्क है उसकी मांग की है 2100 MHz और 2600 MHz की, कि तुरंत के तुरंत 4G सर्विसेज है एज ए BNO वर्चुअल नेटवर्क ऑपरेटर टू द BSNL कस्टमर्स यूजिंग इंट्रा सर्किल रोमिंग पैक्ट। और फिफ्थ पॉइंट इन्होंने शामिल किया है कि इफ़ दिस मॉडल इज सक्सेसफुल वी कैन से प्रीवियस टाइम फॉर 4G लॉन्चिंग एंड ह्यूज मनी आल्सो। नेक्स्ट हाईएस्ट प्रायोरिटी शुड बी गिवन टू द बिल्डिंग अवर ओन 5G नेटवर्क। साथ ही इन्होंने बात की है किसकी, खुद का 5G नेटवर्क लगाने की। तो यानी कि सीधे सीधे उन्होंने प्रेशर डाला है BSNL के CMD के ऊपर कि किसी भी तरह से BSNL 4G जल्दी से जल्दी लॉन्च किया जाए। इसके अलावा एक खास अपडेट है यहाँ पर 2 अगस्त की, कि रूल 80A में रिलैक्सेशन की बात की जा रही है कि अगर किसी की डेथ हो जाती है किसी भी गवर्नमेंट सर्वेंट की ड्यूरिंग सर्विस, तो जो पेमेंट ऑफ प्रोविजनल फैमिली पेंशन है, अगर रूल है रूल 80A, उसमें रिलैक्सेशन की यहाँ पर बात की गई है। तो ये है इसका ऑफिशियल लेटर, आप देख सकते हो ऑफिस मेमोरेंडम, रिलैक्सेशन ऑफ रूल 80A ऑफ पेमेंट ऑफ प्रोविजनल फैमिली पेंशन ऑन डेथ ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट ड्यूरिंग सर्विस। तो यहाँ पर इसके बारे में कंप्लीट जानकारी दी गई है जिसमें बताया गया है इंक्लूडिंग फॉर्म 18 एंड अदर डॉक्यूमेंट रेफर टू द रूल एंड रूल 80 हैज़ बीन फॉरवर्डेड टू द हेड ऑफ ऑफिस टू द पे एंड अकाउंट ऑफिस। इट हैज़ बीन ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ दिस डिपार्टमेंट दैट द प्रोसेस ऑफ फॉरवर्डिंग द फैमिली पेंशन केस टू पे एंड अकाउंट ऑफिस अलॉन्ग विथ रिक्विजिट डॉक्यूमेंट इटसेल्फ टेक्स ए लॉन्ग टाइम। इट इज़ ऑल्सो अंडरस्टूड दैट इन ए लार्ज नंबर ऑफ केसेज प्रोविजनल फैमिली पेंशन एंड ग्रेचुटी आर नॉट बींग सेंक्शन ऑन डेथ ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट। द डिले इन फाइनलाइजेशन ऑफ फैमिली पेंशन एंड ग्रेचुटी रिजल्ट इन हार्डशिप टू द फैमिली ऑफ द डिजीज गवर्नमेंट सर्वेंट। तो यहाँ पर इसके बारे में कंप्लीट जानकारी दी हुई है, तो ये ऑफिशियल लेटर आप जा करके देख सकते हो। के अलावा बात की गई है किसकी, डिसेबिलिटी पेंशन की यहाँ पर, कि जो भी कंप्राइजिंग सर्विस एलिमेंट एंड डिसेबिलिटी एलिमेंट टू प्री 2006 डिसेबिलिटी पेंशनर्स हु आर बोर्डेड आउट फ्रॉम सर्विस विथ लेस देन 10 ईयर्स ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस ड्यू टू एन इंजरी डिसेबिलिटी और एट्रीब्यूटेबल टू गवर्नमेंट सर्विस, तो उसके लिए भी इन्होंने यहाँ पर लेटर दिया हुआ है। तो इसको भी आप देख सकते हो कि किसी भी अगर डिसेबिलिटी पेंशन की इनसे जो मदद मिलती है उससे रिलेटेड, तो यहाँ पर ये 28 जुलाई का लेटर है, तो ये भी आपके लिए जानना ज़रूरी था। तो इसको भी आप यहाँ पर जाकर के देख सकते हो कि द एक्चुअल पेमेंट ऑफ सच रिवाइज डिसेबिलिटी पेंशन वुड बी पेएबल ओनली विथ इफेक्ट फ्रॉम 1/1/2006। वहीं BSNL पेंशनर्स के लिए और भी अपडेट है इसमें, वो है लाइफ सर्टिफिकेट से रिलेटेड के स्पेशल मेजर फॉर पेंशनर्स लाइफ सर्टिफिकेट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि देयर पेंशन विल बी पेड टिल मंथ ऑफ अगस्त 2020 एंड देयर LC हैज़ टू बी सबमिटेड बिफोर 30 सितंबर 2020, फेलिंग विच पर्सन पेंशन सेल बी स्टॉप्ड। अगर वो नहीं सबमिट किया जाता है लाइफ सर्टिफिकेट तो उनकी पेंशन रोक दी जाएगी। पेंशनर मस्ट आल्सो बी इन्फॉर्म्ड ऑफ द सेम बाई SMS एंड इनिशिएटिव ऑफ CCA ऑफिसर्स। तो इस तरह से उनको एक बार जनरल अवेयरनेस बाई मीन्स ऑफ SMS रिगार्डिंग फॉरम्स बेयर LC और DLC कैन बी जनरेटेड। तो इस तरह से आपको बता दें कि लाइफ सर्टिफिकेट आपको जमा कराना है कब से, एक्सपायरिंग 31 मई 2020, जिनका एक्सपायर हो गया है उनको कब से पहले जमा कराना है, ये जमा कराना है 30 सितंबर 2020 से पहले। तो आज काफ़ी सारी अपडेट है पेंशनर्स के लिए, SNL के जो
टेलीकॉम मिनिस्टर हैं एक तरह से, टेलीकॉम मिनिस्टर श्री रविशंकर प्रसाद जी को लिए ऑफिशियल लेटर लिखा गया था, रिटेंशन ऑफ क्वार्टर फॉर BRS रिटायर्ड एंड अदर रिटायर्ड एम्प्लॉयज ऑफ BSNL और MTNL, यानी BSNL और MTNL के जितने भी रिटायर्ड एम्प्लॉयज हैं वो अगर क्वार्टर में रहना चाहते हैं और उनसे क्या है कि 2 गुना फिर 4 गुना इस तरह से ये पैसा वसूल किया जा रहा है, तो उनको किसी तरह से या तो उनका जो पेमेंट है उसमें थोड़ी सी रिलैक्सेशन दिया जाए उससे रिलेटेड, और साथ ही उनको रहने दिया जाए, इस दोनों के लिए ही यहाँ पर लेटर लिख करके आग्रह किया गया था कि पहले भी अगर जैसे भी BSNL के क्वार्टर हैं वो खाली ही हैं और अगर उसमें BSNL के एम्प्लॉय रहते हैं तो कम से कम रेवेन्यू तो जनरेट होगा, तो इसलिए उन्होंने यहाँ पर इससे रिलेटेड लेटर लिखा गया था टेलीकॉम मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद जी को, जिसका कोई जवाब अभी तक नहीं आया है, अगर कुछ आता है तो हम आपको बता देते हैं। वहीं सप्लाई ऑफ इन्फॉर्मेशन अंडर द प्रोविजन ऑफ RTI एक्ट 2005, तो ये यहाँ पर एक RTI लगाई गई थी BSNL और से रिलेटेड, तो क्या है इस RTI में क्या पूछा गया था तो वो हम देख लेते हैं। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ पूछा गया है एग्जीक्यूटिव कितने वर्किंग है, तो 30,440 अभी एग्जीक्यूटिव काम कर रहे हैं BSNL के अंदर और 35,978 नॉन एग्जीक्यूटिव काम कर रहे हैं, और ऐसा माना जा रहा है कि BSNL के अंदर दोबारा से BRS निकाला जाए उसको लेकर के भी कुछ लेटर वगैरह लिखे गए हैं, और इस तरह की एक न्यूज़ भी सोशल मीडिया में प्रचारित की जा रही है कि दोबारा BRS निकलेगा जल्दी ही, और उसके अंदर जितने भी मतलब कि नॉन एग्जीक्यूटिव काम कर रहे हैं तो उनमें उनके मतलब कि नॉन एग्जीक्यूटिव और एग्जीक्यूटिव जो उनको एज वगैरह 45 ईयर इस तरह से अप्रोक्सीमेट बता करके और बताया जा रहा है कि इस तरह से BRS दोबारा से निकाला जाएगा। लेकिन आपको बता दें कि ऐसा कोई भी BRS अब आने वाला नहीं है, वैसे ही BSNL में एम्प्लॉयज़ की बहुत ज़्यादा कमी है, और अभी तो ये है कि कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को भी भर्ती किया जा रहा है, नई वैकेंसी निकाली जा रही है कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स की, तो और जो BSNL के एम्प्लॉई हैं उनको इतनी ज़्यादा कमी है कि उनकी वजह से एक्सचेंज पे भी BSNL के एक्सचेंजेस भी बंद पड़े हुए हैं और सर्विसेज सुचारू रूप से रखना बहुत मुश्किल हो गया है, तो ऐसा कोई BRS सेकंड BRS जैसा नहीं आने वाला है। ये तो थी इससे रिलेटेड अपडेट, तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट न्यूज़ के साथ में, तब तक वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, हैप्पी रक्षाबंधन, धन्यवाद।